ने मौसू अलहाज बीजर जमीर अहमद ने बजट का ऐलान किया है, बहुत बड़ा बजट का ऐलान किया है। क्या 15 करोड़ रुपये अकादमी के लिए काफ़ी हैं या उससे ज़्यादा होना? देखिए नसीर अहमद साहब का एक हिदायत भी है कि आप तालुक सतह पर पहुंचिए। तालुक सतह पर पहुंचने के लिए 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम ना क्या बजट ये काफ़ी है? देखिए बात पैसों की या बजट की नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि तकरीबन पिछले 12-13 सालों से मैं बेलगाम ज़िले में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता रहा हूँ, वो मुशायरे हों, बच्चों में कॉम्पिटिशन्स हों, योम उर्दू का जश्न मनाना हो या दीगर एक्टिविटीज़ हों, मैं मुसलसल करता रहा हूँ। तो उस वक्त मैं एकेडमी से नहीं था, कोई सरकारी फंड हमारे पास नहीं था, दो चार हम ख्याल लोगों के साथ लेकर कुछ इधर उधर से हम स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लेकर तो हम लोग वो काम करते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे नतीजे भी सामने आए। आपको बजट नहीं चाहिए? नहीं, मैं बताना ये चाहता हूँ कि बजट तो चाहिए ही, क्योंकि पूरी रियासती सतह पर जब काम करना है तो बजट की ज़रूरत है। इस वक्त 1.5 करोड़ का जो बजट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और बहुत मैं इसमें मशकूर व ममनून हूँ बीजेड ज़मीर अहमद साहब का, जो अकलियती वज़ीर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल वादा किया है कि 10 से 15 करोड़ का बजट एकेडमी के लिए। 15 करोड़ चाहिए या 25 करोड़ चाहिए आप? अब देखिए जब लेने की बात आती है तो 100 करोड़ भी कम लगते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन 100 करोड़ आप लेंगे या 200 करोड़ लेंगे, हुकूमत देने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। लेकिन आप 15 करोड़ के बजट लेने के बाद या 25 करोड़ के बजट लेने के बाद उसको किस तरह से आप मैदान में उसका इस्तेमाल करके उस वहाँ से उर्दू का फ़रोग का काम करते हैं, ये बहुत अहम चीज़ हुआ। और दूसरी बात यह है, जो कर्नाटका उर्दू अकेडमी का जो फंड है, जो बहुत ही कम फंड था, तो उसके लिए जो उन्होंने ऐलान किया है कि आइंदा साल जो है 10 से 15 करोड़ तक जो है हम कर्नाटका उर्दू अकेडमी को दिलाएंगे, तो इसके लिए बहुत सारे जितने भी लोग आए थे सब खुश हो गए। और ज़मीर अहमद साहब जो मिनिस्टर हैं हमारे, वज़ीर अखिलियती बहबूद हाउसिंग अवकाफ, उनके हक़ में दुआ। वज़ीर मौसू बीजेड ज़मीर अहमद साहब ने 10 से 15 करोड़ रुपये का ऐलान किया है, जो अकादमी के लिए बहुत मजबूत बनाने के लिए हमें एक अच्छा मौका मिलेगा। जी जी, क्या ये काम, ये इकदाम बीजेड ज़मीर अहमद का एक तारीखी फैसला है? यह जी, जहां आपने जिक्र किया है जश्न उर्दू, हमने जो 10 अगस्त को बेंगलोर में मनाया, जिसका इफ्तिताह इज़्ज़त माब वज़ीर अकलियती बहबूद हाउसिंग और वक्फ ज़मीर अहमद खान साहब ने हमारी आर्ज़ुओं को पूरा करते हुए जब हमने उनके सामने ये मुतालबा रखा, हमारे चेयरमैन ने ये मुतालबा रखा कि उर्दू एकेडमी का जो बजट है वो फ़िलहाल अब नाकाफ़ी है, मगर पहले जो BJP हुकूमत थी उसने सिर्फ बराए नाम टोकन के तौर पर 1 लाख रुपये दिया था, अब हमारे पास 1.5 करोड़ रुपयों का ये जो बजट आया हुआ है ये हमारे लिए नाकाफ़ी है। इस लिहाज से हमने मांग की कि तकरीबन आने वाले बजट में उसको बढ़ाकर 20 से 25 करोड़ कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं 15 से 20 करोड़ तक का मैं उसमें मतलब बजट को मैं तैयार करने की कोशिश करूँ, बजट को सैंक्शन करवाने की कोशिश करूँगा। और उस वक्त मौजूद जो चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब ने भी कहा कि आप सिर्फ 15-20 करोड़ तक मत होइए, 25-30 करोड़ का आप बनाइए बजट, हम कोशिश करेंगे आपको मिलेंगे। सारी लोग जानते हैं कि हर मकाम पे दुनिया में कहीं भी जब तक आपके पास बजटरी सपोर्ट नहीं होगा आप काम नहीं करेंगे। अब हमारे पास कर्नाटक में तवक्कुआत जो हैं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं, उम्मीदें जो हैं कर्नाटक की उर्दू एकेडमी से बहुत जुड़ी हुई हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम उसमें करिश्मा साजी के तौर पर काम करें, मगर हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि हमारे पास वसाइल बहुत ही कम हैं। और जिस तरह आपने बताया कि वज़ीर मोहतरम ने ऐलान तो किया है, मगर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे चेयरमैन की और सब हम अराकीन की कि हम मिनिस्टर के साथ राबिता बरकरार रखते हुए और वाबस्तगी रखते हुए हम उन्हें जाएं और याद दिलाएं जो आपने वादा किया था, इसको यकीनी अमली तौर पर आप पेश करें। तभी तो मैं समझता हूँ कि करने के काम तो बहुत हैं, मगर हमारे पास जो महदूद बजट ने हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रखी हैं, इस लिहाज से ये बड़ी खुशाइन बात है। तनवीर अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जश्न उर्दू में बीजेड ज़मीर अहमद साहब का बजट का जो ऐलान, किस हद तक हम कामयाब कर सकते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितना इससे पहले जो जितना बजट दिया जाता था उससे कहीं गुना ज़्यादा उन्होंने ऐलान किया है कि 10-15 करोड़ तक वो अपने तरफ से कर्नाटका उर्दू अकेडमी को बजट
आने वाले दिनों में देंगे। इससे हम क्या मगर क्या कर मगर, सकते मगर मगर होता यह है कि कर्नाटक बहुत बड़ा है, बहुत सूबे हैं, बहुत से तालुकाजात हैं, अजलात हैं, तो ऐसे में वो जो 15 करोड़ भी अगरचे दे देंगे, अगरचे हमारे काम का जज्बा ऐसा है कि 15 करोड़ हमारे लिए नाकाफ़ी होंगे। तो इस हिसाब से जो आप कर्नाटक रियासत कर्नाटक में जो हुकूमत अभी आई है वो अखिलियत उनकी वजह से ही कांग्रेस की कमेटी आई, कांग्रेस की हुकूमत बनी है। नसीर अहमद साहब की एक हिदायत थी जी, उस प्रोग्राम में कहा कि यह प्रोग्राम जिले सतह तक ना रखे बल्कि बेंगलुरु तक ना रखे, हर तालुक जाए, बहुत 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ तक आपको रीच करना है, पहुँचना है, तो इसके लिए बजट कितना चाहिए? ये जो बजट दिया गया है हमारे लिए, तो यूँ कहूँगा कि हम तो लोग शह सवार हैं और घोड़ सवार हैं और तेज रफ्तार के घोड़े हैं, और सिर्फ 3 साल के लिए ये मियाद, 3 या 4 साल के लिए मियाद बनती है। ऐसे में जहाँ पर हम लोगों को एक, जैसे कि शाहिद साहब ने कहा कि हम लोगों को एक आस लगाए हुए नजरों से रियासत कर्नाटक का हर ज़िला, हर ताल्लुक, हर देहात हमको तक रहा है कि हम ये लोग हमारे लिए क्या करेंगे। तो ऐसे में जो बजट दिया गया है फिलहाल जो काफ़ी कहलाता है मगर हकीकत में वो नाकाफ़ी है। मैं बीजर जमीर अहमद साहब को इस मौके पर मुअद्दिबाना आजिज़ाना इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने बजट के ऊपर और नज़रसानी करें। 25 करोड़ कम अज़ कम सालाना हमारे कर्नाटका उर्दू अकेडमी को वो हमें देकर इनायत उर्दू दानों के लिए करें।